हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है नाइग्रा फॉल्स को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है? नहीं, अगर मैं ये बोलूँ कि नाइग्रा फॉल्स सिर्फ फॉल को ही नहीं बल्कि पूरी सिटी को भी बोला जाता है, तब आपका कैसा रिएक्शन होगा? थोड़ा सरप्राइजिंग लगा ना? चलिए आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे नाइग्रा फॉल्स से रिलेटेड कुछ शॉकिंग बातों को और कम्प्लीट टूर एंड ट्रैवल प्लान फॉर नाइग्रा फॉल्स। माई नेम इज़ पीयूष और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको कनाडा से रिलेटेड ट्रैवल, एंटरटेनमेंट और नॉलेज शेयरिंग के वीडियोस मिल जाएंगे। सो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शो योर लव एंड सपोर्ट। टोरोंटो से नाइग्रा फॉल्स की दूरी है अराउंड 130 किलोमीटर्स। आप नाइग्रा 3 वेज के थ्रू जा सकते हो, 1 बाई कार, 2 बाई गो बस और ट्रेन, 3rd इज़ वाया रेल। आप पर्सनल कार या ऊबर या टैक्सी करके जा सकते हो। इट वो टेक अराउंड 1.5 आवर्स फॉर यू टू रीच देयर बाई कार, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। प्राइजेस के बारे में मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में पूरी डिटेल्स दे दूंगा। सेकेंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है गो ट्रेन और गो बस। गो ट्रेन गो बस सबसे ईजियर एंड कन्वीनियंट ऑप्शन है नाइग्रा जाने के लिए। ये कुछ ऐसी दिखती है। हम लोगों ने यूनियन गो स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी जो कि डायरेक्ट ट्रेन थी। टिपिकली वीकेंड्स में ही डायरेक्ट ट्रेन चलती है। वीकडेज में आपको एक या दो ट्रांसफर लेने होते हैं, मेनली थ्रू ओकविल और थ्रू बर्लिंगटन। आप इनके वेबसाइट पर जाकर राउट चेक कर सकते हैं। फ्रॉम एंड टू स्टेशन डालकर आपको लिस्ट ऑफ ट्रेन आ जाएंगी जो ऑपरेट होती है इस राउट में। आई विल पिन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू चेक द ट्रेन। डायरेक्ट ट्रेन 2 आवर्स 15 मिनट्स के करीब लेती है पहुंचाने में। Indirect trains can take anywhere from 2.3 to 3 hours. Just a quick note, go trains and buses ke liye alag alag ticket nahi leni hoti kyunki both of them are operated by the same body. The last mode of communication is via rail. Sirf ek hi via rail chalti hai Niagara ke liye jo subah 8:20 Union Station se milti hai. It takes around 2 hours of time to reach there and the price is around 23 CAD. Main description mein link de dunga jahan se aap check kar sakte hain iske schedule ko. Niagara Station pe utarne ke baad aapko aise dikhne wali Vigo bus milegi jo free of cost hai. वो लेकर के आप नाइग्रा सिटी क्रूज बस स्टॉप तक जाएं और वहाँ उतर जाएं। आइडियली आप सिर्फ एक दिन के विजिट पे जा सकते हो नाइग्रा, क्योंकि 6 to 8 hours वुड बी मोर देन एनफ फॉर यू टू एक्सप्लोर द एंटायर नाइग्रा। बट अगर आप फिर भी आराम से घूमकर, इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, देयर आर सेवरल अमेजिंग होटल्स दैट यू कैन स्टे इन। होटल्स मेनली दो टाइप की है वहाँ पे। वन इज नॉर्मल होटल विच आर इकोनॉमिकल, नो फॉल्स व्यू। सेकेंड इज होटल्स विथ फॉल्स व्यू जो कंपेरेटिवली हाई बजट के होते हैं। बैकग्राउंड में आप रूम टूर देख सकते हैं जिसमें हम रुके थे। द होटल नेम वॉज द ओक्स होटल एंड वी बुक द प्रीमियम स्वीट रूम इन इट। देर आर 4 to 5 होटल्स विच ऑफर द बेस्ट व्यू ऑफ फॉल्स। मैं उन होटल्स के नेम भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पिंक कर दूंगा। बट मेरे हिसाब से जो होटल सबसे अच्छी एंगल ऑफर करती है फॉल्स की, वो यही होटल है, द ओक्स होटल, जहाँ हम रुके थे। बाकी के होटल्स, फॉर एन एग्जाम्पल मैरियट, वो फॉल्स के पीछे लोकेटेड है। वही शेरेटन होटल यूएसए फॉल्स के पास है एंड कैनेडियन फॉल्स से काफ़ी दूर है। जस्ट अ क्विक टिप, ऑलवेज बुक रूम दैट ऑफर्स कैनेडियन फॉल्स व्यू इंस्टेड ऑफ यूएसए फॉल्स व्यू। हमारे रूम की खिड़की से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था। माई पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी, अगर आपको होटल में रहना है तो फॉल्स व्यू वाले होटल में ही रहें। इट्स अ अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। होटल में थोड़ी देर आराम करके और लंच करने के बाद हम लोग एक इंक्लाइन रेलवे के पास पहुंच गए जो ऐसा दिखता है। ये मोस्ट ऑफ द होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप इस पे बैठकर नीचे फॉल्स के सबसे पास वाले मेन रोड पे उतर सकते हो। द चार्जेस फॉर दिस इंक्लाइन रेलवे इज $3.5 फॉर वन वे एंड $6 फॉर बोथ द वेज। इंक्लाइन रेलवे से उतरकर टेबल रॉक बिल्डिंग के अंदर जाओगे तो आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। वहाँ से आप इन तीनों में से कोई एक पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो। हमने एडवेंचर पास क्लासिक सेलेक्ट किया था क्योंकि हमने बटरफ्लाई म्यूजियम वगैरह नहीं देखनी थी। यहाँ जाने के लिए आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली टेबल रॉक बिल्डिंग के अंदर घुसकर डायरेक्शन बोर्ड्स को फॉलो करते हुए बाहर निकलोगे तो वो फॉल्स के पास आकर एंड होता है। यहाँ से फॉल्स का एक बहुत ही शानदार एंगल मिलता है आपको। इट लुक्स अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। ये आपके एडवेंचर पास की पहली एक्टिविटी या लोकेशन है। इसके लिए आपको सेम बिल्डिंग के जर्नी बिहाइंड द फॉल्स सेक्शन में जाना है साइन बोर्ड्स को फॉलो करते हुए।
वो आपको एक रेनकोट देंगे पहनने के लिए, जिसे पहनकर आपको लिफ्ट से 125 फीट नीचे उतरकर बिल्कुल फॉल्स के पीछे वाले सेक्शन में निकलना है। वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा आपको, डेफिनेटली अ मस्ट विजिट प्लेस। इस एक्टिविटी के लिए भी आपको रेनकोट प्रोवाइड किया जाएगा। ये बेसिकली एक स्क्रीन शो है जिसमें नाइग्रा फॉल्स की फॉर्मेशन कैसे हुई वो डिटेल में 360 डिग्री स्क्रीन पे वीडियो के थ्रू दिखाया जाता है, विद सम एक्सटर्नल स्पेशल इफेक्ट्स लाइक पानी के छींटे, थंडर एंड लाइटनिंग इफेक्ट्स, रैम वाइब्रेशन, विंड्स एसेट्रा। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट आप ज़रूर जाइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। ये कैनेडा और USA का बॉर्डर है। ये अमेरिकन फॉल्स है जो नाइग्रा रिवर में जाकर गिरती है। और ये हॉर्सशू फॉल्स है जिसे कैनेडियन फॉल्स भी कहा जाता है। नाइग्रा फ्यूरी और जर्नी बिहाइंड द फॉल्स कंप्लीट करके उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर नाइग्रा सिटी क्रूज के ऑफिस तक बाई वॉक जाओ, क्योंकि रास्ते का नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। इट्स रफली अ किलोमीटर वॉक। आप इस 1 किलोमीटर के वॉक में काफ़ी अच्छी फोटोज़ खींच सकते हो। ये रही कुछ फोटोज़ जो मैंने खींची थी। नेक्स्ट प्लेस इन द लिस्ट इज क्लिफ्टन हिल। ये नाइग्रा सिटी क्रूज के ऑफिस अराउंड 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। ये पूरा एरिया काफ़ी लाइवली है और यहाँ भी आपको काफ़ी सारी इंडोर गेम्स और एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी, जैसे यू कैन प्ले वेरियस गेम्स लाइक स्नूकर, बोलिंग एसेट्रा। आप यहाँ गो कार्टिंग भी कर सकते हो and you can enjoy some very good food and music out here in various suitable restaurants. यहाँ पे आपको 3 से 4 Indian restaurants भी मिल जाएंगे which offer very tasty food. मेरी personal favorite थी lamb biryani in Guru restaurant. इसी area में आपको Niagara Skyville भी मिल जाएगी जो बहुत famous है. You get a panoramic 360 degree view of the entire city along with the Niagara Falls during this activity. My recommendation would be to try this during sunset. एक्टिविटीज़ करते और डिनर करते हुए हमें काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए हमने डिसाइड किया वापस होटल जाने का। हम फिर उसी रास्ते से वापस गए और रात में फॉल्स का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल था। फॉल्स को कलरफुल लाइटनिंग के थ्रू लाइट किया जाता है जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आप ये बिल्कुल भी मिस ना करें। होटल जाते ही हम लोग तुरंत सो गए क्योंकि नेक्स्ट डे का सनराइज़ हमें मिस नहीं करना था। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग व्हेन वी वोक अप वी सॉ एन इनक्रेडिबल व्यू। फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के बाद वी अगेन वेंट टू नाइग्रा सिटी क्रूज बस स्टॉप थ्रू द इंक्लाइन रेलवे। आज की हमारी पहली एक्टिविटी थी जिपलाइन। इसके टिकट्स वहीं काउंटर पे मिल जाते हैं। जिपलाइन में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं टिकट्स के। वन इज $69.99, सेकेंड इज $99.99 एंड थर्ड वन इज $79.99। $69.99 वाले में आपको नॉर्मल लाइन में आना पड़ेगा विथ फॉलोइंग द क्यू ऑब्वियसली। $99.99 में यू कैन स्किप द क्यू एंड $79.99 में यू हैव टू डू जिपलाइन ड्यूरिंग द नाइट टाइम when the falls are lightened up with rainbow colors. Falls के ऊपर से zipline के through जाना was a wonderful experience. Zipline करने के बाद हम लोग next activity के लिए गए, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा excited था। इस activity के लिए boat आपको हर आधे घंटे में मिल जाएगी। या तो आप tickets online करा सकते हो जिसके link मैं description में डाल दूंगा, या तो आप वहाँ Niagara City Cruise के counter पे line में लगकर भी ले सकते हो। This was probably the most exciting and thrilling activity of my entire Niagara trip. इस एक्टिविटी में आपको एक बोट पे बिठाकर अमेरिकन फॉल्स के पास से होते हुए कैनेडियन फॉल्स, जिसे हॉर्सशू फॉल्स भी बोलते हैं, उसके बीच लेकर जाया जाता है। बोट को ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट तक वहां पे स्टॉप कर दिया जाता है। इट्स अ रफली 20-30 मिनट्स एक्टिविटी बट अ ड्रीमी एक्सपीरियंस। जब आप फॉल्स के बीच में जाते हो तो 3 डायरेक्शंस में फॉल्स से घिरे हुए होते हो, एंड दैट्स प्रोबेबली द मोस्ट क्लोजेस्ट एनकाउंटर ऑफ योर्स विद द जाइगेंटिक फॉल्स। द रोरिंग साउंड ऑफ द फॉल्स एंड द हाई वेलोसिटी विंड्स विद वाटर ड्रॉपलेट्स स्प्रेड एवरीवेयर मेक्स इट एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड अ मस्ट ट्राई। इसके बिना आपकी ट्रिप अधूरी होगी। इस एक्टिविटी को ख़त्म करने के बाद हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, जो है वाइट वाटर वॉक। उसके लिए हमने फिर से वही वीगो बस पकड़ी नाइग्रा सिटी क्रूज बस स्टॉप से, जिसका ड्रॉपिंग पॉइंट था वाइट वाटर वॉक बस स्टॉप।
इस बस के लिए भी आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देनी होती है। बस आपको इस अट्रैक्शन के बिल्कुल मेन गेट पे उतार देगी, वहां इंस्ट्रक्टर्स को फॉलो करते हुए आपको लिफ्ट के थ्रू नीचे डिसेंड करके नाइग्रा रिवर के किनारे पे निकलना है। देयर इज नो टाइम लिमिट टू स्टे हियर, सो यू कैन स्पेंड सम गुड टाइम एंड क्लिक सम अमेजिंग फोटोज। ऑलराइट, फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हिच इज द कॉस्ट और द बजट ऑफ द एंटायर ट्रिप। द वेरी फर्स्ट कॉस्ट इज गो ट्रेन और गो बस फेयर। अगर आपके पास प्रेस्टो कार्ड है तो वन वे की टिकट पड़ेगी $18 के करीब। अगर प्रेस्टो कार्ड नहीं है देन इट वुड कॉस्ट यू अराउंड $21 or $22 वन वे। सो बेसिकली $36 टू वे फॉर प्रेस्टो कार्ड होल्डर्स एंड $42 or $44 फॉर नॉन प्रेस्टो कार्ड होल्डर्स फॉर टू वे ट्रिप। बट माई रिकमेंडेशन वुड बी कि आप वीकेंड या वीकडे पास लेकर जाओ, जो कि गो ट्रांजिट के वेबसाइट पे इजिली अवेलेबल है। वीकेंड पास इज फॉर $10, जिसमें वन डे फ्री अनलिमिटेड ट्रैवल मिलती है ऑन बोथ गो ट्रेन्स एंड गो बसेस। एंड फॉर वीकडेज द सेम पास विल कॉस्ट यू $15 विद द सेम बेनिफिट्स। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग टिकट्स इंडिविजुअली, आप ये पास ले लो, $10 or $15 में टू एंड फ्रो जर्नी कवर हो जाएगी आपकी। सेकेंड कॉस्ट है एक्टिविटी पास की। जैसा मैंने पहले बताया था, तीन तरीके के पास आते हैं, 59, 79, 99 के। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज थ्री। थर्ड कॉस्ट है सिटी क्रूज का, ये है $37। फोर्थ कॉस्ट इज फॉर नाइग्रा स्काई व्हील, वो है $17। नेक्स्ट कॉस्ट है जिपलाइन का, जो है $69.99। लंच एंड अदर फूड आइटम्स वुड कॉस्ट यू अराउंड $50 to $70। और लास्ट आप मिसलेनियस खर्चे लेके चलो, जो कि $50 to $70 तक हो सकती है। So the total cost for one person for one day would be anywhere between $293 to $360 Canadian. But क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का था तो इसमें होटल के prices included नहीं है। Just in case if you want to stay for more than a day, then in that case the additional cost would involve hotel and other food expenses. Hotel charges can range from anywhere between $50 to $550 Canadian depending upon your requirement. And the food expenses obviously can vary depending upon your preferences. हाँ जी, तो ये था सारा हिसाब किताब। I hope this video was informative. If you still have any doubts or queries, feel free to comment below. अगर आपको इस video के through कुछ सीखने मिला तो please अपने friends और relatives के साथ share करें। Like, subscribe करना ना भूलें। मैं अपने Instagram पे भी काफी travel और information की videos डालता रहता हूँ, तो please go and check out there as well. मिलता हूँ आपसे जल्द एक नए वीडियो लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।